चलो ये कहता ग्राफिकल क्वेश्चन है टू डायमेंशनल मोशन का। एक पार्टिकल इस तरह से चल रहा है कि उसका डिस्टेंस टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है। अब कहता है इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, किस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ये बात हम कैसे पता करेंगे। चलो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है ds अपॉन dt या dx अपॉन dt जो भी बोल लो। ये जब मैक्सिमम होगा स्लोप, ये क्या होता है टेन थीटा, इंस्टेंटेनियस स्लोप है ना। एक्स टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओगे तो जो इसका स्लोप होता है टेन थीटा, अगर ये मैक्सिमम हुआ ना, टेन थीटा मैक्सिमम हुआ ठीक है, तो स्लोप मैक्सिमम हुआ। अगर स्लोप मैक्सिमम हुआ तो वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ। और आपको आपको चेक करना पड़ेगा कि स्लोप कहाँ मैक्सिमम है। स्लोप कैसे चेक करते हैं, तो स्लोप चेक करते हैं टेंजेंट बना के ठीक है। अब बी डी डी कहाँ है, डी पॉइंट यहाँ है, तो डी पॉइंट यहाँ है, तो डी पॉइंट कुछ ऐसा, ए पॉइंट पे कुछ ऐसा एंगल, ये है एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा, डी पॉइंट पे लगभग जीरो एंगल आ रहा है। सी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्लोप है, देखो सी पॉइंट, ये जो पॉइंट सी है वो उस पर टेंजेंट ऐसे आएगा, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल टेंजेंट ये है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये है जो बड़ा वाला डीप बना रहा हूँ दे, वो सबसे ज़्यादा एंगल है ठीक है। फिर डी पॉइंट पे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर ए पॉइंट पे और फी पे बी पे थोड़ा सा, सी से तो कम ही होगा भाई, बी पे टेंजेंट इधर आएगी ठीक है, और ये एंगल थीटा होगा बी पे, तो ये तो थीटा ज़्यादा है, तो सी पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्लोप है, मैक्सिमम वेलोसिटी है ठीक है, टेन थीटा मैक्सिमम।